सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल मम्मी का ही है, बिकॉज शी इज़ डूइंग एवरीथिंग सिंस चाइल्डहुड. सो अभी तक जो करते आई है सब वही करते आई है. तो उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है अभी लाइफ में. लाइक न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आ जाएगा. लेकिन माँ मम्मी कुछ भी करेगी तो मतलब आपका कहना है कि न्यूटन का लॉ मम्मी काम नहीं करता. मेरे लिए तो नहीं करता है. जब जब मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया मुझे प्राउड फील हुआ. दुनिया में एक ही जगह है जहाँ हम बड़े होते, अपनी माँ के पेट में. हम जब अपनी माँ के पेट में होते हैं तो वो हमें देख नहीं पाती, वो बिना देखे ही हमें प्यार करना शुरू कर देती है. इसे कहते हैं अनदेखा प्यार. मेरी माँ मेरे हिस्से का सोती है, मेरी माँ मेरे हिस्से का जगती है. मेरी माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे ही है. वो दिखावे की इबादत नहीं करती, वो हर भूखे को खाना खिलाती है. दुनिया होगी दुनिया वालों के लिए, पर मेरी माँ मेरी दुनिया बनाती. मदर्स डे मई के महीने में दूसरे रविवार को मनाया जाता है. दुनिया भर में मदर्स डे माताओं के प्रति समर्पित किया जाता है. एक माँ अपने बच्चे के प्रति पूर्ण निष्ठावान होती है. इस दुनिया में माँ एकमात्र इंसान है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती. एक माँ के पास ढेर सारी जिम्मेदारियाँ होती है, उसे बिना रुके बिना थके हर जिम्मेदारियाँ निभानी होती है. हमें माँ को सम्मान करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए. देवकी नंदन गोपाला, हम जिन्हें श्री कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं. श्री कृष्ण भगवान को देवकी माता ने जन्म दिया था, पर श्री कृष्ण भगवान का पालन पोषण यशोदा मैया ने किया था. यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान के लिए त्याग किया, बलिदान किया. उसी तरह से विश्व शांति दर्शन के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़, उनकी बड़ी बहन प्रयाग अक्का जी ने त्याग किया, बलिदान किया. इसी कारण उन्होंने आज वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है. श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके वीरता के किस्से देश विदेश में सुनाए जाते हैं. ऐसे महान वीर पुरुष को महान बनाने के लिए उनकी माता जीजाबाई का एक बड़ा योगदान है. उसी तरह से हम अपने जीवन में आज जो भी है उसका पूरा श्रेय अपनी माँ के लिए जाता है. तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यही शुरू करते हैं. मन की बात दिलीप सिंह के साथ. आप मदर्स डे पे क्या करते हो? आपने कभी अपनी माँ के लिए गिफ्ट लाया है? आप अपनी माँ पर गुस्सा करते हो तो क्यों करते हो? माँ ऐसे क्यों करती है? तो लो आइए जानते हैं हमारे कुछ दोस्तों से. जिस तरह से आप वैलेंटाइन डे जितने एक्साइटमेंट में मनाते हो, वही एक्साइटमेंट में आप मदर्स डे मनाते हो क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी वैलेंटाइंस डे मनाया नहीं और एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मदर्स डे मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ. सेम एक्साइटमेंट तो नहीं रहती है, बट हाँ मनाते ज़रूर है. मदर्स डे म्हणजे सेलिब्रेट केला आहे, पण तेवढ्या असं एक्साइटमेंटमध्ये कधी कधी एवढी एक्साइटमेंट नाही आलेली, बट केला आहे असं गिफ्ट्स वगैरे, केक कटिंग. व्हॅलेंटाईन्स डे इज अ कम्प्लिटली डिफरंट फीलिंग, बट मदर्स डे इट्स व्हेरी इमोशनल, लाईक बहुत क्लोज इमोशन है वो. सो हां, एक स्टेज को मनाते है, मतलब घर पे मनता है, सब केक वेक काटते हैं मम्मी के लिए, वी ब्रिंग बुकेज एज वेल, बट same excitement I won't say. Valentine's Day is different, Mother's Day is thoda different. ज़्यादा करके लोग बहुत सारे जो है तो वो Mother's Day मनाते ही नहीं है. हाँ. उनको पता ही नहीं होता Mother's Day कब है. आपको पता है कब है? हाँ, 8th of May. मतलब हम हर साल मनाते हैं. वो दिन हम ट्राई करते हैं कि हम बाहर जाके खाना खाएं ताकि मम्मी को ऐसा खाना नहीं बनाना पड़े. तो जितना कम मतलब सिर्फ एक ही दिन साल में हो? नहीं नहीं, वो तो हम मतलब जब भी बाकी के टाइम मम्मी को नहीं हो पाते वो टाइम तो हम करते हैं, बट वो दिन हम स्पेशली ऐसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं. कभी गिफ्ट लेके गए? ओह नो, ओनली बुकेस. वो लेवल का गिफ्ट नहीं दे सकते. हाउ मच लव पर नॉर्मली तो आप देखते हैं हम लोग कि वैलेंटाइन डे पे तो बहुत सारे गिफ्ट लेके सारे गिफ्ट देते हैं, बट नो वो लेवल का गिफ्ट नहीं दे सकते. हाउ मच लव शी गिव्स अस, वी कैन नॉट गिव हर सो मच. क्या गिफ्ट केलं? एकदा रिंग गिफ्ट केलेली, परत आईला हो खरं हो रिंग एकदा म्हणजे रिंग गिफ्ट केलेली आणि पर्स. फर्स्ट मला असं ऐकवलं की कोणीतरी आईला एक रिंग गिफ्ट केली आहे. हो नाही तर नॉर्मली लोक गर्लफ्रेंडसाठी बॉयफ्रेंडसाठी खूप काय करतात, पण आईसाठी जास्त लोक करत नाहीत. आपण बघितलं म्हणजे मी आज बघितलं आहे, कारण की मी सिंगल
जन्मल्यापासून सिंगलच आहे. हो सगळ्यांना आमच्या क्लासमधले सगळे कमिटेड आहेत. हो त्याच्यामुळे तू का एकटी राहिलीस? नॉट इंटरेस्टेड इन डेटिंग. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने माँ पे या बाप पे बहुत गुस्सा करते हैं. मतलब ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि अपन रात को घूमने जाते बाहर की तरह दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं, तो माँ जो है बार बार फ़ोन करती है कॉल करती है, तो हम उससे इरिटेट होते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं. कभी हम कॉल कट कर देते या फिर कॉल कभी उठा लिया हमने तो हम एकदम चिल्ला रहते हैं उन पर. तो आपने कभी सोचा है कि हम वो ऐसा क्यों करती है, बार बार कॉल क्यों करती है? It's her love. We cannot tell anything much. But हाँ, कभी-कभी irritated होता है. But समझना चाहिए. That's it. मतलब क्या समझना चाहिए? आपको समझना चाहिए कि उनको समझना चाहिए? अपने को समझना चाहिए कि irritated होता है. But we should be responsible to tell them that we are okay. At least एक बार उठा के बोल दिया and just chill उसके बाद. Enjoy करो तब सोते हो वहाँ तक कि disturb होते. पण नंतर एकदा विचार केला की हां तिला पण काळजी होत असेल असं वगैरे वाटतं, मग परत वाईट वाटतं. पण ते रिग्रेट होऊन परत काही फायदा नसतो, कारण की एकदा परत हो बोललं की परत ते वापस नाही घेता येत शब्द. क्योंकि कितना भी कुछ भी बोलो माँ चिल्लाए डांटे मारे, लेकिन आखिरकार वो हमें फोन करेगी, सब प्यार करेगी, फिकर है, केयरिंग है. तो फिर भी हम चिल्लाते हैं उन पे. हाँ वो एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन में वगैरह ना हम किसी और पे चिल्लाएंगे तो लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आ जाएगा. लेकिन माँ मम्मी कुछ भी करेगी तो मतलब आपको कहना है कि न्यूटन का लॉ मम्मी काम नहीं करता. मेरे लिए तो नहीं करता है. इस क्राइम इज इंक्रीजिंग सो मच, सो उनको टेंशन होगी. एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो फिर भी हम उससे गुस्से से बात करते कॉल उठाया तो. हाँ बिकॉज हम सो इन्वेस्ट लाइक वी आर ऑल सो इन्वेस्टेड विद आर फ्रेंड्स ग्रुप, तो उसमें हमें लगता है कि यार फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड करने दे रहे हैं, बार बार तंग कर रहे हैं फोन करके, इसलिए गुस्सा कर देते हैं. तो हम दोनों अपने अपने जगह से ये कि वो उनका प्यार है जो वो केयर कर रही है, लेकिन ऑन द सेम नोट कि हम लोग भी अभी दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ जाते हैं घूमना, तो यही वो पीरियड है. लेकिन फिर वो चल जाता है, लाइक आई ट्राई कि मैं उन पर ना गुस्सा करूँ और मैं नहीं करता हूँ. आप जो बालों का स्टाइल रखते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, तो उसके लिए आपकी मॉम आपको सपोर्ट करती है? हाँ मेरी मम्मी इस मामले में तो बहुत सपोर्टिव है. शी डजंट लाइक मतलब वो खुद भी वो और बोलती है, स्टाइल बताती है, करके देती है. मैं बहुत हेल्थी हूँ, मैं कुछ नहीं करती. तो मेरी मम्मी को बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, मतलब हेयर स्टाइलिंग, फैशन एंड ऑल. सो शी डज एवरीथिंग एंड शी इज़ वेरी सपोर्टिव. मेरे डैड थोड़ा बोलते हैं कि ऐसा कपड़ा क्यों, ऐसा कपड़ा क्यों, बट मम्मी कुछ नहीं बोलती. मतलब मम्मी को पसंद आता है कि अपने मम्मी को पसंद है. पहले क्या मतलब कुछ वुमन जो है 20-25 साल पहले जो माँ बनी है, वो ऐसा होता था कि वो घर के अंदर रहती थी, उन्हें बाहर निकलना अलाउड नहीं था, कम पढ़ी लिखी रहती थी. पर आज की जो वुमन है वो पढ़ी लिखी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ऑफिस में काम करती है. तो उनमें और आज की माँ में क्या अंतर आपको नज़र आता है? Nowadays we can share everything with our mothers also, like broad minded रहता है and they understand stuff like बाहर जाना इज ओके फॉर गर्ल्स ऑल्सो अनलेस लाइक दे आर सेफ सो दे कैन गो एंड दे अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ देयर फ्रेंड्स लाइक हाँ ये सेफ लोगों के साथ है. एंड इन ओल्डन डेज दैट वॉज अ बिट डिफिकल्ट टू टेल देम, समझाना मुश्किल रहता था. एंड साड़ी पहनना इट्स जस्ट अटायर बट इमोशंस आर ऑलवेज द सेम. आज की माएँ पढ़ी लिखी हैं, सो दे कैन एजुकेट देयर चिल्ड्रन इवन मोर बेटर देन the ones who were like uneducated and thoda but wo bhi to maa diya na. ha wo bhi hai, wo bhi apne bachcho ko sahi shiksha hi dengi. but now it's like ki hum jo padhe likhe hain wo zyada situation se aware hain, to wo zyada acche se apne bachcho ko bata sakte hain ki kya cheez ke kya pros hai aur kya cons hai. acha to wo zyada better way mein sikha sakte hain, I feel like. but हाँ पुराने वाले जो हैं वो भी अच्छे हैं, बिकॉज मेरी नानी भी वैसी है ना. मेरे हिसाब से तो पहले की माँ और अभी कोई डिफरेंस नहीं है. हमारे मेंटली जो हम सोचते हैं ना कि लाइक पढ़ी लिखी है माँ और एजुकेटेड है तो वो ज़्यादा हमें को समझती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. ते जास्त म्हणजे ते पण आपण ज्या फेजमधून गेलो त्या फेजमधून गेलेत, सो त्यांना जास्त कळतं हे एज ग्रुप कसं आहे, टीन एज इयर्स वगैरे. तसं आधीच्या आईंना नाही कळत. पहले की मॉम्स जल्दी समझती नहीं थी लाइक
जनरेशन वाइज, लेकिन अभी उसका फायदा हो रहा है। मतलब अभी क्या समझते हो? समझती इन द सेंस समझाती है, लाइक एक एक पॉइंट पे हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें समझाती है कि इस लेवल पे हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। अच्छा, पहले के नहीं समझ पाते थे हमें बाहर से ही, पहले के माँ जो थे वो समझा नहीं पाते थे। हाँ उनको मतलब केयरिंग वगैरह सब था, लेकिन उनको समझाने का तरीका या फिर ऐसे बोल सकते तरीका बदल गया है। मदर्स डे के लिए स्पेशल आप क्या सोचते हैं, मतलब कि पहले से सोच के रखते हैं या फिर मदर्स डे के दिन ही सोचते हैं ऐसा कुछ? जैसे अपनी वैलेंटाइन डे आने वाला तो महीने भर से अपनी तैयारी होती है कि चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, तो मदर्स डे के लिए ऐसा कुछ सोचा है आपने? लाइक मैं कुक कर लेती हूँ कुछ तो, और उस दिन मैं मम्मी को रेस्ट देती हूँ पूरा दिन कि लाइक कुछ मत करो आराम करो बस या गिफ्ट वगैरह कुछ तो ऐसे। तो बाकी दिन मतलब मम्मी बेचारी काम करती है और आप आराम करते हो? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उस दिन स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करती हूँ मैं अपनी तरफ। तो फिर आप ऐसे क्यों नहीं करते कि हर दिन तो मदर्स डे होता है, मदर तो हर दिन प्यार, मतलब जो माँ होती है वो तो हर दिन प्यार करती है, ऐसा नहीं कि मतलब कि सन्स डे आएगा या फिर डॉटर डे आए तो भी वो प्यार करेगी, ऐसा नहीं है ना? वो है बट उस दिन सबका मदर्स डे इमोशनल। हम सबसे पहले जब भी हमें चोट लगती है तो हम माँ को याद करते हैं, जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम माँ को याद करते हैं, जब भी हमें गुस्सा आता है किसी पे तो हम उन्हें माँ की गाली देते हैं। तो हमारे लाइफ में बाप का महत्व कम है क्या, या फिर हम बाप को सिर्फ पैसे के लिए याद करते हैं कि पैसे चाहिए तो बाप करते हैं? नहीं नहीं, गाली देते समय इट्स लाइक इमोशंस के साथ निकलता है, इसलिए हमेशा माँ की गाली निकलती है। ऐसा नहीं है कि बाप का कम रेस्पेक्ट है। नहीं, बाप का इम्पोर्टेंस कम नहीं है। हाँ। बट पापा के साथ हमेशा एक अनसेड रिलेशनशिप रहता है कि वो प्यार है, वो बहुत बार नहीं दिखता है पूरा, मतलब कभी कभी पूरा लाइफ टाइम नहीं दिखता है वो प्यार। नहीं ऐसा मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं, मम्मी पापा दोनों इक्वल है और दोनों फ्रेंडली है बहुत। बट कैसा होता है ना, पापा कैसे पूरा दिन ऑफिस में या जॉब या कुछ भी व्हाटएवर उनका जो सर्विस, तो वो टाइम नहीं दे पाते उतना जितना मम्मी कैसे लाइक घर पे होती है, खा ले, ये कर ले, वो कर ले, बार बार बोलती रहती है। पापा कैसे आए, थक गए, सो गए, तो ऐसा लगता है लाइक पापा हमारे से इतना अटैच नहीं है। बट पप्पांचं प्रेम जास्त ते असं दिसून येत नाही, सगळ्यांना वाटतं की हां ते फक्त रागवायलाच असतात की असं शिस्त लावायला वगैरे, पण खरंमध्ये तसं नसतं। मग कसं असतं? ते पण तितकंच जीव लावतात आईसारखा, पण फक्त दाखवत नाहीत। असं बहुत बार काय जातं की मतलब जो लड़की है वो अपने पापा की परी होती है। हाँ। और जो लड़का होता है वो अपने माँ का बेटा होता है। हाँ। तो आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये बात सही है क्योंकि मेरी एक छोटी बहन भी है। हाँ। तो वो छोटी है तो उसको अभी सब लाड़ प्यार से सब चलता है। हाँ। लेकिन फिर भी पापा जैसे ट्रीट करते हैं तो वो थोड़ा बहुत लगता है। मतलब थोड़ा यार मैं भी डैडी उसको ज़्यादा प्यार कर रहा है। हाँ, मतलब जब मैं छोटा था तब ये तो नहीं ला के दिया था मुझे। लाइफ में डैडी को ज़्यादा महत्व देते या फिर मॉम को? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऍक्च्युअली टू आस्क। ते सांगते दोघे सेमच आहेत माझ्यासाठी, असं मम्माज गर्ल किंवा पापा की परी तसं काही नाही आहे। नाही, व्हेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट या मतलब डॅडी को जब पैसे चाहिए तभी डॅडी को महत्व देते? नो 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 नो, दॅट्स अ पार्ट, हां वो दॅट्स अ फॅक्ट, वी कॅन नॉट डिनाय दॅट, बट येस ही ऑल्सो लव्ज द सेम इन लाइक मॉम इमोशनल होती है एंड डैड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। वाह, अच्छा, मतलब आप डैड की परी हो? यस, इनडायरेक्टली यस। हम अपने दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को या फिर बॉयफ्रेंड को दिन में एक बार तो कॉल करते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा तो बात करते हैं। तो आप अपनी माँ को कॉल करते हो? मैं कम करती हूँ, मम्मी ज़्यादा करती है। मतलब आप खुद से नहीं करते बात? नहीं मतलब करती हूँ बट मम्मी के ज़्यादा कॉल आते हैं। परेशान होते रहे फिर बार बार कॉल आते तो? नहीं नहीं नहीं, परेशान नहीं होती, मुझे खुद गिल्टी फील होता है कि लाइक मम्मी इतना याद कर रहे, पापा इतना याद कर रहे, मैं क्यों नहीं फोन कर रही, मुझे क्यों नहीं इतना टाइम मिल रहा, वो मेरे लिए टाइम निकाल के कॉल कर रहे हैं, तो मुझे क्यों इतनी कहाँ बिजी हूँ कि लाइक मैं कॉल नहीं कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा फील होता है। माँ के बारे में आपको ऐसा कौन सी चीज़ जो आपको प्राउड फील करती है? ती आमच्यासाठी इतकं सगळं करते ना, त्याच्यामुळेच प्राऊड फील होतं। आणि ती म्हणजे घरचं पण काम करून, ऑफिसचं पण काम करून सगळं एकदम नीट व्यवस्थित सांभाळते, तेवढंच खूप खूप आहे आमच्यासाठी। मेरी माँ के बारे में एक प्राऊड फील करने वाली बात है कि वो अभी भी वो पढ़ना चाहती, लाइक शी हैज डन हर मास्टर्स एंड बैचलर्स भी हो गया है, बट शी इज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड सम कॉलेज जिसमें डिस्टेंस कोर्स मिल सकता है उनको। तो शी मतलब अगर कुछ भी ऐसा नया चीज़ है तो वो अभी भी वो सीखना चाहती है, अलॉन्ग विद द होमवर्क, मतलब जो घर का काम है वो भी करती है, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो सीखना भी चाहती है। आप अपनी माँ के लिए
मदर्स डे पर विश्व शांति दर्शन के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? जो उनके लिए जो फीलिंग्स है, जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, वो मतलब है, लेकिन बहुत बार वो उनको सामने नहीं दिखता है या नहीं एक्सप्रेस कर सकते कभी कभी। आई लव यू मॉम बिकॉज मैंने कभी सामने से बोला नहीं है कभी नहीं बोला लिटरली क्यों हिम्मत नहीं है कभी ऑकवर्ड हो जाता है थोड़ा ऑकवर्ड क्यों होता है Whenever said ना सामने से इसलिए थोड़ा awkward सा लगता है कि मैं ऐसे जाके वो तो कभी बताएंगे ना तो दिखाते हैं ना इसीलिए अभी आपके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे आई लव यू मॉम डैड टू बट मॉम ज़्यादा मैं इतना ही कहना चाहूँगी लाइक मैं मम्मी पे बहुत चिल्लाती हूँ जब मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ तो मम्मी ये मत समझना कि मैं प्यार नहीं करती प्यार मैं बहुत करती हूँ लेकिन कभी कभी क्या है अभी एग्जाम और ये सब में दिमाग खराब हो जाता है सारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव अ मॉम एंड देन दैट शी लव्स मी एंड आई लव हर अ लॉट एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर व्हाट शी डज फॉर मी ती एक खूप इम्पॉर्टंट असा भाग आहे माझ्या लाईफमधला तर ती जर ती नसती तर आज मी पण नसते मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता विश्व शांति दर्शन के माध्यम से मेरे सारे दोस्तों के मदर्स के लिए और मेरी माँ के लिए हैप्पी मदर्स डे